हे गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एलपीयू से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होता है, होटल मैनेजमेंट का एडमिशन लेने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, क्या कैसे सीन होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो उससे रिलेटेड आज का ये वीडियो होने वाला है। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि मैं प्राइवेट कॉलेज का वीडियो बना रहा हूं, तो ये किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड किया गया है। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ किसी भी प्राइवेट कॉलेज का, तो वो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को सभी चीज के बारे में जानकारी अच्छे से मिले उसके लिए ये वीडियो होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलपीयू में डिग्री कोर्स करने के लिए, होटल मैनेजमेंट में डिग्री करने के लिए एडमिशन कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उसको क्लियर करना होता है, उसका नाम होता है एलपीयू नेस्ट। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके अंडर में क्या होता है, जैसे ही आप इस टेस्ट को क्रैक करते हो तो फिर आपकी स्कॉलरशिप बेस्ड पे भी आपका जो रैंक होता है, जो भी रैंक आता है इस टेस्ट में, उसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कैसे है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपने जाना होता है lpu.in, जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डायरेक्ट जा करके वो फॉर्म फिल कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। वेबसाइट पे आ जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाता है हमारे सामने। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली होटल मैनेजमेंट के सेक्शन पे जाना है। तो यहाँ नीचे आप देख लोगे ये होटल मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो बना हुआ है। अब इसमें सिंपली ये जो BSc होटल मैनेजमेंट करके यहाँ दिया गया है उस पर हम लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद ये एक अप्लाई नाउ का एक फॉर्म जो है वो यहाँ पे आ गया है, तो हम लोगों ने ये फॉर्म को फिल कर लेना है अच्छी तरह से। कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद से भी ये फॉर्म आराम से फिल कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे जो आपका नाम है अपना नाम आप फिल कर दोगे, अपना जेंडर जो है वो जेंडर फिल करोगे, देन यहाँ आपको डालना है अपना ईमेल एड्रेस, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे फाइनली क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अप्लाई कर दोगे फिर आपका ये जो फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आप वेबसाइट पे इनका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कुछ इस तरह से है, 500 फॉर गर्ल्स एंड 800 फॉर बॉयज। लड़कों के लिए 800 रुपये इसका चार्ज रखा गया है एलपीयू में, और लड़कियों के लिए 500 चार्ज रखा गया है रजिस्ट्रेशन का, जो अभी आप अप्लाई करने जा रहे हो उसका। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो है 31 मार्च। 31 मार्च को इसका लास्ट डेट है, तो 31 मार्च से पहले पहले तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट जो होगा इसका, वो 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा, मीन्स 10 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक इसका जो टेस्ट है वो होने जा रहा है। और जो इसका रिजल्ट होगा वो 30 अप्रैल को आ जाएगा, 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट आ जाने वाला है। और जो इसकी एडमिशन है वो 30 अप्रैल से ही इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे एलपीयू से रिलेटेड, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो जाकर के ये पूरा डिटेल देख सकते हो। इनके वेबसाइट पे जाकर के आप इनका कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर के पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ले सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को बताया हूँ कि इसकी डेट क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, बस ये बताने का मेरा मेन मकसद था इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।